हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मीनाक्षी, मीनाक्षी नेचर लाइफ में आप सभी का स्वागत है। कहिए, कैसे हों आप सब दोस्तों? दिवाली की सब तैयारियां अभी लोग कर रहे होंगे, नवरात्रि चल रहे हैं। तो जो मेरे भाई बहन हैं, जो गार्डन लवर्स, उन लोगों ने तो बहुत अच्छे अच्छे सब तैयारी कर ली होगी। प्लांट्स, पौधे की नए नए पौधे लगा दिए होंगे, फ्लावर्स वाले। ये तो मैं आज कोई फ्लावर्स वाला पौधा नहीं बता रही हूँ आपको। आज मैं एक इंडोर प्लांट्स के बारे में ही आपको बताऊंगी। बिल्कुल दोस्तों, प्लांट्स देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस पौधे के बारे में आपको बताऊंगी आज। जी हाँ, ये पौधा है एग्लोनेमा। आपने इस पौधे को हर जगह देखा होगा। ये काफ़ी शेड में आता है, ग्रीन से लेकर सिल्वर कलर में और कुछ रेड शेड्स में। तो ये एक बहुत गुड लक प्लांट है। चाइनीज लोग इसको एवरग्रीन, जिसे एग्लोनेमा के नाम से जाना जाता है, इस प्लांट का नेटिव है एशिया और न्यू गिनिया। एशिया में इसे घरों में गुड लक प्लांट्स के लिए लगाते थे और धीरे धीरे हमारे पश्चिम देशों और अभी तो हर जगह पर आपको ये पौधा मिलेगा। इस ये पौधे की लोकप्रियता बढ़ती गई और लोगों ने अपने घरों में लगाना शुरू किया। तो मेरे वहाँ आप देख सकते हैं अभी 4-5 वैरायटी है। ये है पिंक और ग्रीन शेड में, काफ़ी हेल्दी प्लांट्स है ये मेरा। और जो दूसरे हैं वो सब छोटे छोटे हैं। बहुत सारे लोग इसको रेड लिपस्टिक के नाम से भी जानते हैं, मगर वो पौधा पूरा अलग आएगा। ये पूरा ग्रीन है और ये ग्रीन में वाइट डॉट्स हैं। तो इसको लगाने की और रख रखाव की बात करूं तो ये पौधा उगाने में काफ़ी इजी है, बहुत आसान है इसको लगाना। ड्राई और मॉइस्ट कंडीशन में ये दोनों में हो जाता है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये रहता है कि क्या हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल दोस्तों, आप लगा सकते हो इसको। सिर्फ एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक ही रूल उसको आप अगर फॉलो करते हो तो ये बहुत इजीली आप आपके घर में लगा सकते हो। जितना वेरिएशन लाइट उतनी कम धूप, तो इसको ज़्यादा आप धूप से बचाइए तो आप इसको इजीली आपके घर में उगा सकते हो। कभी कभी डायरेक्ट सन में लोग रख देते हैं और फिर उसके पत्ते होते हुए मुरझाने लगते हैं, तो ये प्लांट्स पूरा ख़राब हो जाता है। और ये महंगा भी इतना आता है तो लोग यही गलती करते हैं। तो प्लीज़ आप ये गलती मत कीजिए। इसको कोई ऐसी शेड वाली जगह में आप रखिए जहाँ डायरेक्ट उसको धूप ना मिले। दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, इंडोर प्लांट्स को धूप की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी प्लांट्स होता है दोस्तों, उसको सनलाइट चाहिए, ये याद रखिए। मिट्टी की बात करूं तो इसको वेलड्रेन सोइल चाहिए। मेरे वहाँ भी आप देख सकते हो। हमेशा मैं इसका रेशियो आपको बताती रहती हूँ। इसमें थोड़ा सैंड है,
कोकोपीट है, मिट्टी है, और थोड़ा सा मैंने खाद लिया है प्राकृतिक, यही इसका रेशियो है। फिलहाल मैंने यहाँ पे पानी डाला है, आप ज़्यादा पानी मत डालिए, ये पौधे को ज़्यादा पानी भी पसंद नहीं है। और या ध्यान ये भी रखिए कि जब भी इसकी मिट्टी सूख जाती है तो आप पानी इसको ज़रूर दीजिए। नासा वालों ने ये प्लांट्स के लिए बोला है कि एक प्यूरिफाइड प्लांट्स है ये, जो अपने घरों में जो हवा होती है उसमें से टॉक्सिन्स दूर करता है। और एक बात का ध्यान रखें कि ये प्लांट्स छोटे बच्चे और आपका जो पेट्स होता है उससे ये प्लांट्स दूर रखिए। तो दोस्तों, ये बहुत ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं, बहुत सारी वैरायटी आती हैं, मेरे वहाँ 5-6 वैरायटी है इसकी। बारी बारी मैं आपको हर प्लांट्स के बारे में बताती जाऊँगी कोई दूसरे वीडियो में। फिलहाल बस ये प्लांट्स के रिलेटेड और कुछ तो ज़्यादा कोई मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है, जितना था मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों, ऐसे सुंदर सुंदर प्लांट्स, क्लिम्बर्स आप भी लगाते रहिए और घर का वातावरण शुद्ध रखिए। फिलहाल इसकी बहुत ज़रूरत है। और हमेशा एक मैसेज आपको मैं देती हूँ, नेचर में रहिए, नेचर से जुड़े रहिए। और आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।